हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से द स्मार्ट पढ़ाई पे स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने बात की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। हमें उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अब हम ये क्वेश्चन आपको बताएंगे किस तरीके से आपको करना है, ठीक। और काफी एक दो तीन तरीके और हो सकते हैं, लेकिन हम सब पे बात करेंगे बारी से बारी। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, अभी हम आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम फिर कुछ क्वेश्चनों के साथ फिर हाजिर हैं। तो अब हम इन क्वेश्चनों को आपको बताएंगे किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बात करेंगे। पहले हम करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक, 11 नंबर। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें समझाना पड़ेगा ना, और ये थोड़ी चीज समझने वाली होगी जो आपने पहले पढ़ी भी होगी। तो पहले हम 11 क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। 9x² + 6x + 5, यहाँ लिख दिया हमने dx, ठीक। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो वो वाली विधि हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इस चीज को? तो हमें मालूम है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला लिखा है x + 9² होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या आ गया, x² 81, 9 × 2 = 18x, ठीक। ए बी होता है तो 2ab मतलब 9x × 2 तो हो गया 18x। तो देखिए यहाँ पर x के साथ कोफिशियंट क्या है, 1 है। तो हमारा सबसे पहला काम यहाँ पर ये होगा कि x का कोफिशियंट 1 करना है, ठीक। उसके बाद हम सोचेंगे क्या है करना है क्या नहीं, क्योंकि चाहे जो आप खोल के देख लीजिए, x के साथ जो ये है 1, इसको हम क्या बनाएंगे, सॉरी x का जो कोफिशियंट है इसको हम 1 बनाएंगे, ठीक। तो पहले हम इसको 1 बना लेते हैं। 1 बनाने के लिए सिंपल तरीका, जो है कोफिशियंट उससे पूरे में डिवाइड कर दीजिए, ठीक। और डिवाइड करेंगे, या एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले जो संख्या है कोफिशियंट उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब मैंने पहले बताया है, जिस चीज को कॉमन लेते हैं उससे पूरे एक्सप्रेशन में हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये 9 कट गया, 3 यहाँ आ गया, 2 से जब हम 3 से काटेंगे, 3 × 9 = 6, ये तो कटेगा ना, ऐसे ही लिख दीजिए x² + 2/3x + 5/9। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है? तो देखिए इसके बाद हमें ये करना है, जो ये दिया है इसका आधा कर लीजिए, x का जो कोफिशियंट है इसका आधा करना है। तो 2/3 इसका आधा क्या होगा, तो आधा करने के लिए 1/2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कट जाएगा, इसका आधा क्या हो गया 1/3। इसके आधे को हम जोड़ देंगे स्क्वायर, इसके आधा करना है, ठीक। आधा करने के बाद जो आएगा उसको हम उसके स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे इस एक्सप्रेशन में। तो 1/3 है, इसका स्क्वायर क्या होगा 1/9, कहने का मतलब 1/9 यहाँ जोड़ेंगे और 1/9 ही यहाँ पर घटाएंगे, x² + 2/3x, ठीक। अब +1/9 कर दिया, -1/9 कर दिया, +5/9 यहाँ आ गया 9x². देखिए अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया कि यहाँ पर क्या करना है, ये इसका स्क्वायर करना और जोड़ना घटाना है। क्यों कर रहे हैं ये? तो इसका कारण ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये है x² + 18x + 1, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, अरे माइक लगाए, तो बता रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स मैं बता रहा था कारण, तो ये मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। देखिए अगर हमें यहाँ लिखा x + 5 का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ x² + 25
प्लस क्या होता है टू, ए क्या है एक्स, बी क्या है फाइव। ठीक, तो अब देखिए हम दो से डिवाइड क्यों करते हैं, दो से डिवाइड इसलिए करते हैं ये जो दो है भाई, दो तो ये फॉर्मूले वाला है, इस दो को हम अगर गायब कर देंगे तो हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी और बी हमेशा एक वेरिएबल रहता ही एक्स। ठीक, ए और बी इसके अंदर दो हैं, ए हम मान लेते हैं एक्स को और बी मान लेते हैं फाइव को। तो देखिए ए हमेशा एक्स रहेगा ही, अगर हमें बी फाइंड करना है तो यहाँ आएगा टेन, तो टेन से हम टू से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा फाइव, फाइव हमेशा क्या होगा बी होगा, समझ रहे हैं आप। इसीलिए हम, क्योंकि हमें यहाँ मालूम है ये डेफिनेटली एक्स होगा, ठीक समझ रहे हैं आप, ये एक्स होगा और इसमें बी है और वो जो क्वेश्चन सॉरी ये जो फॉर्मूले वाला टू है ये टू भी इन्वॉल्व है। ठीक, तो ये टू को हटाने के लिए टू से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें डायरेक्ट बी मिल जाएगा और बी के स्क्वायर को जोड़ना है और घटाना है क्योंकि हमें ये बैलेंस बना के चलना है, वही चीज। तो देखिये फाइव आया, फाइव के स्क्वायर को फाइव का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिये यहाँ पर 25 है, समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पर 25 बी ही रहेगा हमेशा, इसीलिए हम यहाँ पर टू से डिवाइड कर देते बी मिल जाता, बी को जोड़ देते और घटा देते, इससे फायदा क्या होता है ये पूरा हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, ये वाला या तो प्लस वाला बनेगा या माइनस वाला। तो हमें उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक, आप समझ के करेंगे तो जैसे यहाँ पर अब तो आप जैसे मान लीजिए ऊपर आ गया 2/9, 2/8, 2/17, 2/18 तो आप डायरेक्ट 1/17 कर सकते हैं क्योंकि 2 तो हमेशा कट ही जाएगा। ठीक, ये चीज आप याद रखिए, आपको रटना नहीं कि 2 से डिवाइड करना, आपको पता भी होना चाहिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ हम लिख दिए x प्लस ये क्या होगा 1/3 का होल स्क्वायर, अब देखिए बेस सेम है घटा दिया तो कितना आ गया 4/9। ठीक, प्लस तो कहने का मतलब ये सब हम कर दिए, अब ये चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, और ये चीज जो है आपको या तो किनारे कर लेनी है या तो इसके साथ ही करेंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए, देखिए 9 ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया dx अपॉन इस पूरे की जगह हम यहाँ ये लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब यहाँ आप लोग देखिए कोई सूत्र यहाँ पर बन रहा है, तो देखिए दोनों जगह प्लस है और दूसरी बात यहाँ प्लस है, प्लस है सॉरी ये प्लस है दोनों यहाँ पर। ठीक, हमें पता है जब दो प्लस अगर माइनस वाला होगा तो 2a से ऊपर इंटू करते हैं और 2a से सॉरी 2a से न्यूमिनेटर में इंटू करते हैं, डिनोमिनेटर में इंटू करते हैं। ठीक, जब यहाँ माइनस होता है, लेकिन प्लस में क्या होता है टेन इनवर्स एक्स, देखिए 1 + x² क्या होता, x² प्लस लगा है और ये कांस्टेंट हो गया, इस पूरे को x मान सकते हैं, ये यहाँ लगा प्लस, कहने का मतलब ये वाला रूप ले रहा है a² + x². ठीक, और रूट भी नहीं लगा, रूट होता भी नहीं, तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x, बस लिख दीजिए 1/9 टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है ये पूरा लिख दीजिए एक्स प्लस 1/3। ठीक, और ए नीचे ए भी तो लिखते हैं, ए लिख दीजिए 2/3 और यहाँ पर 1/a होता है तो ए क्या है 2/3, 2 नीचे आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ कट जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 9 तो यहाँ क्या आ गया 1/6 टाइन इनवर्स, अब यहाँ क्या हो जाएगा 3x + 1/2, ये 3 3 है ये 3x हो जाएगा अपॉन ये यहाँ पर इंटू होगा इससे ये ऊपर चलाएगा जाएगा तो यहाँ 3 × 3 आ जाएगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं, अब यहाँ कर दीजिए +3 तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके हम थोड़े देखते हैं दूसरा अप्रोच हो सकता है कि नहीं, अगर ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसकी जो सेकेंड अप्रोच है वो थोड़ा लेंदी हो सकती है इसीलिए हम वो नहीं बताएंगे। ठीक, यही अप्रोच थोड़ा आसान है तो यही आप सीखिए, अगर उसकी जरूरत होगी कभी तो हम जरूर बताएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप अपने मन से करिए। ठीक, और देखिए अपने आप को क्या आप कर पाते हैं या नहीं। अब देखिए इसमें एक चीज तो हमें पहले ही मिल गई है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको 1 बनाना, ये तो पहले से ही 1 बना है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक, दूसरा चीज हम आपको कहे थे इसको तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1,
वन आएगा, वन के स्क्वायर को जोड़ना है और घटाना है, ठीक। तो वन का स्क्वायर को जोड़ना और घटाना है, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो यहाँ करेंगे प्लस वन और माइनस वन, तो इससे होगा क्या, तो देखिए इससे क्या होगा, इससे ये होगा ये यहाँ पर लिख दीजिए रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये जो प्लस वन है इसको यहाँ लिख दीजिए प्लस वन, और माइनस वन और टू इसको इधर लिखेंगे तो आ जाएगा वन। तो देखिए इसमें हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा, हम ये भी कह सकते हैं टू को हम वन प्लस वन लिख सकते हैं, यही चीज आपको समझनी है, कहीं कहीं पर हमें कुछ ज्यादा विशेष करना नहीं होता है, ठीक। जो संख्या यहाँ कांस्टेंट लिखी होती है उसी को हम तोड़ के लिख देते हैं। आप इसमें एक चीज समझ लीजिए, दो एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक यहाँ पर बचा रहेगा क्योंकि ए बनेगा और दूसरा एक्स बनेगा, ये तो एक्स बनेगा और ये कांस्टेंट टर्म बनेगा, ठीक। तो इसके आगे अब हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, फॉर्मूला लगा दिए एक्स प्लस ये क्या है वन, वन का होल स्क्वायर, यहाँ कर सकते हैं वन का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा सवाल हो गया। अब ये सूत्र कौन सा लग रहा है, इंटीग्रेशन डीएक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके का सूत्र क्या है, तो हमें मालूम है जब ये चीज होती है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब यहाँ आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर माइनस तो है नहीं, प्लस है, तो प्लस वाले में हमें मालूम ही है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पहले तो लॉग लगा दीजिए टू वन अपॉन टू एस, इससे कोई मतलब ही नहीं होता, यहाँ पर लिख दीजिए एक्स जो नीचे है यही उतार दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ई आ गया, तो यही सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन डी सॉरी अब सूत्र डायरेक्ट यहाँ लगा दीजिए, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा लॉग एक्स क्या है एक्स प्लस वन है प्लस, अब ये जो है यही उतार दीजिए एक्स प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा डायरेक्ट ये चीज है ना, ये इसी को हम सॉल्व करके, अब देखिए कुछ कॉमन लेके हम बाहर तो निकाले नहीं, जो है अंदर ही है, कहने का मतलब सॉल्व इसको जब करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस टू प्लस सी। तो ये देखिए हमारा हो गया स्टूडेंट्स आंसर, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, अब हम इसमें एक चीज और जोड़ेंगे, वो क्या है, तो मैंने पहले बताया है कि एक्स स्क्वायर जो है इसका जो कोएफिशिएंट है हमेशा वन होना चाहिए, वन का मतलब हमेशा प्लस वन होगा, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का हमेशा प्लस वन होगा, ठीक। और दूसरी चीज हम इस तरह के अगर क्वेश्चन कहीं एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स और सेवन, कहने का मतलब अगर द्विघाती समीकरण क्वाड्रेटिक अगर कहीं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कहने का मतलब बड़ी घात पहले छोटी घात फिर एक्स पावर जीरो घात, इस तरीके से हम जरूर लिखेंगे। पहले हम अरेंज करके जो बड़ी वाली घात है इसको पहले लिखेंगे, ठीक। तो लिख दीजिए पहले, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं आप याद रखेंगे, ठीक। देखिए हमने रूट नहीं लगाया, ये रूट लगा दीजिए, ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन, अब बारी किस चीज की, अब बारी है इस माइनस की, तो अब हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक। माइनस कॉमन लेंगे तो पूरे कॉमन लेना पड़ेगा, पूरे क्यों लेंगे, अगर मैं इससे ही लूंगा तो कॉमन तो हमारा काम नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अगर हम अंदर जोड़ेंगे इससे अगर हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर तो ये ऐसे हो गया प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन, तो ये देखिए ये एक साथ है, यहाँ पर ये माइनस यहाँ तो प्लस हमें दिख रहा, लेकिन इसके साथ हमें बहुत फिर करना पड़ेगा, ये एक्स है सिक्स एक्स, कहने का मतलब इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते, माइनस कॉमन लेंगे तो पूरे से लेंगे, ले लीजिए कॉमन, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां पर हो जाएगा माइनस, ये हमारा काम हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यस दो से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा थ्री, थ्री को थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन, नाइन को जोड़ लीजिए और घटा लीजिए, यहाँ हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस नाइन करेंगे माइनस नाइन प्लस सॉरी माइनस सेवन ही,
यहाँ कर दिया मैंने माइनस सेवन, ये हम लगा दिया यहाँ पर रूट, ये लिख दिया dx। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम प्लस माइनस कुछ करेंगे तो जो प्लस वाला टर्म होगा हमेशा एक्स स्क्वायर कहने का मतलब प्लस वाला टर्म हमेशा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कहने का मतलब जो सी वाला टर्म है हमेशा क्या रहता है प्लस रहता है, तो हम जो प्लस माइनस करेंगे प्लस वाला हम इस सीरीज के साथ रखेंगे ठीक, जिससे हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सके। और हमें पता है इस फॉर्मूला को बनाने के लिए हमें तीन तीन टर्म की जरूरत होगी, एक एक्स का, एक्स स्क्वायर का दूसरा और तीसरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमेशा प्लस रहता है तो ये प्लस होगा, ये तो कुछ भी हो सकता है प्लस या माइनस दोनों। अब यहाँ पर फॉर्मूला खोल दीजिए, फॉर्मूला खुलाइए, फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस इसका ये ए है तो बी क्या हो जाएगा थ्री का होल स्क्वायर, ये देखिए माइनस हो गया सिक्सटीन, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं फोर का होल स्क्वायर ठीक, माइनस होल का होल स्क्वायर ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, अब देखिए हमने ये कर दिया, अब आगे डीएक्स, अब देखिए यहाँ पर यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, तो इसका मतलब कुछ हमने गड़बड़ी कर दी है ठीक। तो इसके ऊपर क्या था स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ये था एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस होल का होल स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में माइनस था, ये रूट था ठीक, यही था ना। हाँ स्टूडेंट देखिए यहाँ पर माइनस करें, माइनस का अंदर इंटू होगा ना, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो देखिए प्लस वाला पहले हम लिखते हैं, प्लस वाला पहले लिख दिए होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, रूट लगा दीजिए ठीक। तो ये थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये गड़बड़ी जो है आपको थोड़ा नहीं होंगी, यहाँ पर इन चीजों पर आप अटेंशन देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ माइनस का इंटू, इसीलिए हम कहीं कहीं जहाँ जल्दी से गलती हो जाती है वहाँ लिख भी देते हैं, जिसमें आप लोगों से ये गलतियाँ पेपर में तो ऐसे बाहर हो जाए लेकिन पेपर में तो बिल्कुल ही ना हो। अब देखिए रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए है वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि वन माइनस एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब वन क्या है ए, ए की जगह यहाँ देखिए फोर है, एक्स एरिया ये पूरा है, तो देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर ये कब होता है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ही बन रहा होगा ठीक। तो एक्स क्या है एक्स प्लस थ्री ठीक अपॉन ए, ए क्या है फोर प्लस सी, बस हो गया हमारा आंसर, समझ रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है रूट वन मतलब ए माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी ठीक, और रूट वाले में यहाँ ए वे का कोई झंझट रहता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं यही फॉर्मूला होगा। तो अगर ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।